Welcome everyone to another episode of Disturbing Videos with Creepy Backstories. एक ऐसा सीरीज जिसमें मैं इंटरनेट के अलग अलग कोनों से डिस्टर्बिंग वीडियोस को ढूंढता हूँ एंड साथ ही साथ यहाँ पे उनकी स्टोरीज बैक स्टोरीज को भी प्रेजेंट करता हूँ। तो अगर तुम्हें इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है एंड ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स को भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो दैट्स ऑल, बस इतना ही बोलना था एंड आई गेस नाउ वी कैन प्रोसीड। August 11, 2018, मोंटाना यूनाइटेड स्टेट्स के ग्लेशियर नेशनल पार्क में हैवी थंडरस्टॉर्म और लाइटिंग की वजह से एक बहुत ही डेडली फॉरेस्ट फायर इग्नाइट हो जाती है। दे कॉल्ड इट द हाउ रिज फायर। स्टार्टिंग फ्रॉम द इवनिंग ऑफ August 11, ये वाइल्ड फायर जैसे एक रैम्पेज में था टू डिस्ट्रॉय वॉट एवर कम्स इन इट्स वे। द फायर कंडीशंस वे एक्सट्रीम। August 11 से September 20 के बीच ये वाइल्ड फायर ने एक डिस्ट्रक्शन फैला दिया था। ऑलमोस्ट 15,000 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को तहस नहस कर दिया। 13 रेसिडेंसेस एंड 14 माइनर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वेर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द डेडली फ्लेम्स ऑफ द फायर। Glacier National Park was burning monstrously. This fire is really wind driven right now. Pretty amazing. This is taken from Wheeler. Yeah. No prayer there, man. Oh, no. On the morning of August 12, 2018, a 37-year-old man, Justin Bilton, और उनके 70-year-old father, उसी ग्लेशियर नेशनल पार्क में कैंपिंग कर रहे थे। दे वर कैंपिंग एट ए साइट जिसको सेफ मार्क किया गया था। वहाँ कैंप करते करते उनको 3 घंटे हो चुके थे। तभी उनको एक इमीडिएट इवैक्यूएशन का कॉल दिया जाता है बिकॉज जिस सेफ एरिया में वो कैंप कर रहे थे वो वाइल्ड फायर के चपेट में आ चुकी थी। द फायर वॉज आउट ऑफ कंट्रोल इन दैट एरिया। वो दोनों पार्क के जिस एरिया में थे वहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रोड था। वो अपने कार पर उसी रोड की तरफ निकल पड़ते हैं बट दे वर कम्प्लीटली अनअवेयर कि जिस रोड पे वो जा रहे थे इट वॉज ऑलरेडी एनगल्फ्ड बाय द वाइल्ड फायर्स। God, what if the car blows up? Wow, I'm dead. Just keep driving. Not too, too fast. We'll be okay. Dad, this is insane. I know. We don't want to get trapped in here. Easy, easy. All right, we're good, we're good, we're good. Slow down, slow down. Big rut here, just slow down. We're out of that fire. We're not out of it yet, Dad. Oh my God. Good. Slow down. Slow Dad, down. Dad, no. Yes, we're out. We're not out. We're good, though. What? Dad. Easy, easy, easy. Oh, my God. Keep going. Go, 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 go. Easy, easy. Easy, can't see. Just go easy now. Easy. Dad, the car is heating up. It's gonna explode. We're all right. Oh, Jesus, God, help us. We're
Alright, slow it down. Okay, slow it down so we can see, Jess. Dad, what if a tree falls on us? We're okay, slow it Please, down. God, help us. Please, God, you're doing help good, us. You're doing good. Oh my God. Dad, we can't get out! जस्टिन और उनके फादर फंस चुके थे। रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव अहेड विथ अ कार। पूरा रोड ब्लॉक हो रखा था। पीछे जाना भी जैसे मौत के मुंह में जाने जैसा था। वो वहाँ पर अपने कार के अंदर भी बैठे नहीं रह सकते थे बिकॉज कार का टेम्परेचर बढ़ रहा था। वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता था। दैट डे Justin and his father were completely trapped. उस दिन उन दोनों को वहां से बचने के लिए एक मिरेकल की जरूरत थी। एंड उनके साथ एक मिरेकल ही होता है। वो लोग वापस उसी रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते से वो आए थे। इट वॉज वेरी डेंजरस बट सेफली वो वापस उस कैंप साइट तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद कैंप साइट के पास जो बड़ा सा लेक होता है उस लेक के किनारे दो पार्क एम्प्लॉयज एक बोट पर रहते हैं। थैंकफुली उन लोगों को वो लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। उन्होंने अपने कार को पीछे ही छोड़ दिया बट वो खाली हाथ वापस नहीं आए। दे केम आउट ऑफ द प्लेस विद दिस हॉरिफाइंग वीडियो। ए वीडियो सो डिस्टर्बिंग दैट ये किसी को भी नाइटमेयर्स दे सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स हियर अ क्विक वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स टुडे। जितने भी नए इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स होते हैं उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता है यूजुअली शेयर मार्केट के बारे में, तो बिना किसी नॉलेज के किसी दोस्त की या फिर किसी रिलेटिव की बात मानकर उनके बातों में आकर के अपने इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कर देते हैं। इसी वजह से कई बार नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो तुम्हें जरूरत है एक एक्सपर्ट की, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट तुम्हारे रिस्क लेने के कैपेसिटी को समझेगा एंड उस हिसाब से तुम्हें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस देगा। ऑल्सो तुम्हें तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट में वो गाइड भी करेगा। तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का होना हमेशा से एक बेहतर ऑप्शन है रादर देन डिपेंडिंग ऑन अ फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव। और इसी चीज में तुम्हारी मदद करेंगे हमारे आज के स्पॉन्सर मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है जो आपको आपके सारे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे। वो आपको इन्वेस्टमेंट से भी जुड़ी सही गाइडेंस देंगे। सो मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंसड है एंड 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है एक डीमैट अकाउंट, और इस चीज की भी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि इनके साथ जुड़ने के बाद आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट दिया जाता है। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको फर्स्ट ईयर कोई भी मेंटेनेंस चार्ज देना नहीं पड़ेगा और इसके साथ ही साथ फ्लैट ब्रोकरेज एट ₹20 पर लॉट भी मिलेगा। डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेंगे और वो भी कंप्लीटली फ्री। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक वेलकम बास्केट भी दिया जाता है जिसपे आप उनके AI बेस्ड टूल्स को यूज कर सकते हो और साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। आप मोबाइल ऐप या फिर फोन कॉल के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डाल के तुरंत ही अपना डीमैट अकाउंट खोलिए।
The video you are watching is of a man named Sandeep Nathwani who is helping his mother, Jasri Nathwani. देख के लगता है that she is physically not well. और संदीप उनकी चलने और सीढ़ी चढ़ने में पूरी मदद कर रहे हैं. Seems like a good man helping his mother. इस वीडियो में क्या ही डिस्टर्बिंग हो सकता है? Well, ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा. The man you saw in the video is a 36-year-old man from Rajkot district of Gujarat, Sandeep Vinod Kumar Nathwani. Sandeep Rajkot ke BK Modi Government Pharmacy College mein ek assistant professor the. Sandeep ek bahut hi reputed and successful professor the. He was a family guy living with his wife and daughter. Even he was very active on social media. Facebook par kafi regularly photos and updates upload karke अपने मेमोरीज को फ्रेंड के साथ शेयर करना. फोटोज विथ हिज वाइफ, फोटो ऑफ हिज डॉटर, एनिवर्सरी पोस्ट्स. ही वॉज जस्ट लाइक एनी अदर हैप्पीली लिविंग इंडियन मैन. संदीप के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, बट सितंबर ऑफ 2017 को उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. संदीप की मदर जयश्री नाथवानी को ब्रेन हैमरेज हुआ. राजकोट हॉस्पिटल में उनका इलाज किया गया. ट्रीटमेंट के ख़त्म होने के बाद उस स्ट्रोक के वजह से हर लेग्स वेर कम्प्लीटली पैरालाइज्ड. खुद से चलना एंड इवन खड़े रहना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था. जयश्री वॉज ए रिटायर्ड टीचर एंड वॉज लिविंग विथ हर डॉटर इन जमुनानगर बिफोर दिस इंसिडेंट. बट ट्रीटमेंट के बाद उनको संदीप के पास रखा गया सो दैट ही कैन टेक केयर ऑफ हिज पैरालाइज्ड मदर. अब वापस आ जाते हैं इस वीडियो पे. वीडियो को देख के लगता है दैट संदीप इज डूइंग व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू, हेल्पिंग हिज पैरालाइज्ड मदर. तो ये वीडियो आखिर डिस्टर्बिंग कैसा है? वेल, हियर कम्स द सैड एंड द डिस्टर्बिंग पार्ट अबाउट द वीडियो. दीज रिकॉर्डेड सीसीटीवी फुटेजेस आर द फाइनल मोमेंट्स ऑफ जयश्री नाथवानी. इस वीडियो के कुछ ही मिनट्स बाद जयश्री नाथवानी की डेथ हो जाती है. बट वेट अ सेकेंड, जयश्री की डेथ एंड ये वीडियो, उनकी आखिरी वीडियो होना, इस वीडियो को डिस्टर्बिंग नहीं बनाती. देयर वॉज इवन समथिंग एल्स हियर, समथिंग इवन मोर डिस्टर्बिंग. अ वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी फ्रॉम राजकोट. ये जो खबर है बिल्कुल सही फैला देने वाली खबर है. इस आधार पे पुलिस को ये शक है कि बेटा ही ऐसा है जिसने माँ को छत से फेंक दिया. So, the most disturbing thing was the way Jasri dies. A murder committed by no one else but her own son, Sandeep Nathwani. जब ट्रीटमेंट के बाद जयश्री संदीप के साथ रहने आई, तभी से संदीप और उसके वाइफ के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए थे. They were unhappy about Jasri living with them. जयश्री को हर काम को करने में किसी की मदद चाहिए होती थी because he was paralyzed. और संदीप को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग लगने लगा था. अपने मदर की हेल्प करना संदीप के लिए एक बर्डन, एक बोझ बन गया था. सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 27th of December 2017 संदीप डिसाइड्स टू एंड इट ऑल. 27 December की सुबह 8:27 AM को संदीप अपने थर्ड फ्लोर के घर के बाहर आता है अपने पैरालाइज्ड मदर के साथ. वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती और संदीप उनकी मदद कर रहा होता है. अनदर पर्सन, मे बी सा संदीप की वाइफ होगी, जो उनके घर के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है. इसके बाद संदीप उनको लेकर के ऊपर चढ़ने जाता है. 8:31 AM को फोर्थ फ्लोर के कैमरा में फिर से संदीप को देखा जाता है और वो वहाँ पर भी जयश्री को सीढ़ियों से लेकर जा रहा होता है. वो उनको फोर्थ फ्लोर से भी ऊपर टेरेस की तरफ लेकर जा रहा था. फोर्थ फ्लोर में रहने वाला एक रेसिडेंट इवन उनकी मदद भी करता है सीढ़ी पर रखे हुए सामान को हटाकर. संदीप अपने माँ को लेकर फोर्थ फ्लोर के ऊपर टेरेस पे चला जाता है. दर्शन एवेन्यू, जो कि उनका अपार्टमेंट था, उसके फोर्थ फ्लोर के टेरेस से वो अपनी ही मदर जयश्री नाथवानी को धक्का दे देता है. जयश्री वहाँ टेरेस से नीचे गिर जाती है. उनकी ऑब्वियसली इतने ऊपर से गिरने की वजह से डेथ हो जाती है. 8:57 AM इस चीज़ को करने के कुछ ही मिनट्स बाद
संदीप अकेले नीचे आता है और चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है। संदीप को अंदर गए 10-20 सेकंड से हुए होते हैं कि उनके अपार्टमेंट का एक आदमी काफ़ी पैनिक में भागते हुए आता है और संदीप को बुलाता है, ये कहते हुए कि उनकी मॉम ऊपर से गिर गई। संदीप भी इनोसेंट एक्ट करता है एज इफ उसको कुछ भी नहीं पता एंड तुरंत ही पैनिक में भागते हुए नीचे जाता है। जय श्री नाथवानी एट द एज ऑफ 64 वॉज लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द सन एवेन्यू किल्ड बाय द हैंड्स ऑफ हर ओन सन। आई वॉज हेल्पिंग माई मदर, मैं अपने माँ की मदद कर रहा था क्योंकि उनको ऊपर जाकर सूर्य नमस्कार करना था। मैं उनको ऊपर लेकर गया, फिर उन्होंने ही मुझे नीचे भेजा पानी लाने के लिए। मैं नीचे आया था कि तभी उन्होंने छलांग लगा दी। संदीप ने ये बनी बनाई कहानी पुलिस को सुनाई। पुलिस ने संदीप पे अंधा भरोसा कर लिया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक नहीं किया। जयश्री के डेथ को एक्सीडेंटल डेथ का कॉज दे दिया गया। संदीप वॉज ए फ्री मैन फ्रॉम द क्राइम ही कमिटेड। वो अगले 3 महीने तक इस क्राइम के सजा से बचकर आराम से घूम रहा था, बट ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। संदीप का बुरा वक्त शुरू होने वाला था। जनवरी 2018, कंट्रोल रूम ऑफ राजकोट सिटी पुलिस को एक एनोनिमस नंबर से कॉल आता है। हेलो, किशोर नगर पुलिस स्टेशन। एक इंसान अपनी आइडेंटिटी को बिना रिवील किए बस संदीप के इस झूठ का खुलासा कर देता है। पुलिस उस कॉल पे भरोसा करके इन्वेस्टिगेशन चालू करती है एंड इस बार सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है। फिर क्या, संदीप के सारे प्लान्स बाहर आ जाते हैं। सारा सच पुलिस के सामने होता है। पुलिस को तब समझ आता है कि एक पैरालाइज्ड मदर खुद से ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि इवन टेरेस पे एक 4 फुट की दीवार भी थी। और ये सब बातें वीडियो को देखकर क्लियर होता है कि जयश्री की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो तो चल भी नहीं पा रही थी। संदीप अभी पकड़ा गया था, अब वो और झूठ बोल के अपने क्राइम से नहीं भाग सकता था। एट लास्ट उसने अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट में उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। पूरी ज़िंदगी वो सलाखों के पीछे बिताएगा। सो अब तुम्हें क्लियरली पता चल चुका होगा कि ये वीडियो क्यों डिस्टर्बिंग थी। दिस वीडियो वॉज नॉट ऑफ हिज सन हेल्पिंग हिज मदर, रादर इट वॉज ए वीडियो ऑफ हिज सन एग्जीक्यूटिंग हिज मर्डर प्लान्स टू किल हिज ओन मदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप तुम्हें आज का ये डिस्टर्बिंग डीप डाइव पसंद आया होगा। ऑल्सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम्हें ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में भी देखनी है, देन गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट टुडे स्पॉन्सर्स मोतीलाल ओसवाल। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको तुम क्लिक करके अपना डीमार्ट अकाउंट खोल सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं तुमको जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक तुम बाकी वीडियोज़ को देख कर एंजॉय कर ही सकते हो। बाय।